सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी अपन सप्लीमेंट पियेंगे एक वर्कआउट को जाने से पहले, एंड देन वर्कआउट को निकलेंगे। तो ये कौन सा सप्लीमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। एल सिट्रुलिन मैलेट, जो कि अभी हालांकि मेरा फेवरेट सप्लीमेंट बन चुका है, क्योंकि ये वर्कआउट के पहले जैसे ही मैं यूज़ करता हूँ, एंड बाद में जो वर्कआउट करते वक्त पम्प आता है, और वर्कआउट करने के बाद वो फुल नेक्स्ट लेवल रहता है। तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब इससे ब्लड फ्लो अच्छा होता है मेरा, एंड देन जो पम्प जो वेंस निकलते बाहर वो बहुत ही सही है। तो अब ये जल्दी से तुरंत पीऊँगा, एंड ये सप्लीमेंट एज इट इज़ ब्रांड है, एंड अगर आप भी खरीदने वाले रहोगे तो कूपन कोड मेरा यूज़ कर सकते हो, अगर बाय कर रहे हो तो। ये जल्दी से मैं पी लेता हूँ, एंड देन जिम को निकलेंगे एक स्कूप, एंड इसमें मैं 100 ml या 150 ml पानी डाल देता हूँ, ज़्यादा नहीं। आधा ग्लास थोड़ा कम उससे। जिम को पहुंच चुके हैं, और आज मेरा लेग्स वर्कआउट है। तो आप इस वीडियो में लेग्स वर्कआउट देखोगे मेरा, कौन से एक्सरसाइज आज मारने वाला हूँ, एंड वर्कआउट कैसे रहने वाला है वो भी मैं आपको शेयर करूँगा, और कितने सेट्स वगैरह वो भी बीच में बताते रहूँगा आपको। सो आप देखो एंड तक, एंड आई होप यू विल एंजॉय। जो लेग्स, पहले तो मेरा वार्म अप वगैरह कम्प्लीट हो चुका है, दो फ्री स्क्वाट्स भी हमारे 25 ये दो सेट में। एंड फर्स्ट जो एक्सरसाइज मार के थी वो लेग कर्ल्स थी, बट वो वाशी टूट गई है। तो मैंने डेडलिफ्ट करा था, एंड पहला सेट है अभी बहुत लाइट लाइट पैर वार्म हो चुके हैं, मतलब स्क्वाट्स की वजह से। सो तो अभी सेकेंड सेट मारूंगा, और इसमें मैं ज्यादा हेवी नहीं लूंगा। अभी पहला 25 मारा था, इसके बाद में 45 गोल रहेगा, क्योंकि पंप करना है, एंड इसके मैं भी 4 सेट्स मारूंगा। स्क्वाट है, और एक सेट हो चुका है, एंड सेकेंड सेट मार रहा हूँ अभी। फर्स्ट सेट में 15 to 20 reps मारने थे, मैंने 20 reps हिट किए, पूरा नीचे जाके पूरा ऊपर, एंड आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा पंप आना स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा आया होता बट फर्स्ट एक्सरसाइज अपने को लेग कल मारने के लिए नहीं मिली। तो अपना बारबल पे वो मैंने डेडलिफ्ट मारा, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डंबल पे या रोमेनियन डेडलिफ्ट मारो, मुझे इतना मज़ा नहीं आया दौड़ में। तो अभी सेकेंड हिट कर दें, रेप्स रहेंगे अपने 12 से 10, सॉरी 12 से 15 के बीच में।
अभी हम थर्ड एक्सरसाइज पे लेग प्रेस एंड जो सेकेंड एक्सरसाइज हमारे थी मशीन स्क्वाट, उसमें पूरे मेरे क्वाड्स मतलब पंप हो चुके हैं, बहुत डेंजर आप देख भी सकते हो जिससे तो मतलब मैंने ऐसे पैर रखे जो मेरे पूरे बर्न हो रहे हैं, तो उस पर मैंने 4 सेट मारे और 15 to 20 वही अपना 15 to 20 फर्स्ट में, सेकेंड में 20 to 15, थर्ड में 10 एंड फोर्थ मैंने फिलियर में मारा मतलब लाइट वेट लेके, क्योंकि 3 प्लेट्स दोनों साइड में 45 लीटर्स थे तो मेरे पैर सूम हो गए थे, तो 4 45 दोनों साइड पे नहीं मार सकता था, इसलिए मैं 8:45 में फिलियर तक गया एंड अभी लेग प्रेस स्टार्ट करेंगे, तो इसमें मैं 3 सेट पहले नॉर्मल ये फॉर्म में लूँगा एंड ओवरऑल फोकस करूँगा एंड उसके बाद में जो 2 सेट रहेंगे मेरे वो मैं ऊपर पैर रखूँगा वाइड लेग प्रेस पे आपको बोला था कि 5 सेट्स तो आजकल इट्स
बोलना। तो आज का जो लेग्स का सेशन अपना हुआ है उसमें मतलब चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे क्योंकि एसी वगैरह भी फुल ऑन थे, बट जो पैर सूर हुआ है खतरनाक वाले। आपने लास्ट सेट में देखा रहेगा, फर्स्ट सेट लेग एक्सटेंशन का मैं मार रहा हूँ और पूरा स्ट्रगल करके मारना पड़ रहा था, तो उसके ऊपर से आप अंदाज लगा सकते हो कि कितने पंप लग रहे हैं। कहीं कहीं 6 सेट मारे, कहीं कहीं 4 सेट मारे, तो ऐसे ट्रेन करने में मजा आता है। तो लेग एक्सटेंशन की और 3 सेट मारूंगा मैं, एनर्जी फुल है अपने में, सिर्फ पैर फुल है अपने, तो मारते 3 सेट। काफी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिए एंड थर्ड सेट है मेरा। पहले 45 LBS पे 2 सेट मारे एंड अभी थर्ड सेट है, बिलियन मारेंगे। अभी देख सकते हो काफ में भी पंप आ चुका है, आप विजिबल देख सकते हो पूरा। तो अभी इस पे लास्ट काफ की एक्सरसाइज मार के एंड कर देंगे लेग्स वर्कआउट। फाइनली अपना लेग्स वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है और आज का वर्कआउट बहुत डेंजर था गाइस, मतलब पंप जो आया है ना काफ में भी आप देख सकते हो, ये देखो पूरा ये बाहर निकल चुका है। तो एक नंबर का पंप और सेट भी मतलब फुल अपन ने ज़्यादा सेट लिए एंड रेप्स तो मैं ज़्यादा मार रही हूँ, मतलब अभी फिलहाल पहले 20 रेट मारता था बट अभी ज़्यादा मार रहा हूँ और उससे ज़्यादा प्रोग्रेस दिख रहा है मुझे लेग्स में मेरे। तो यही था अपना समारे वर्कआउट के आज का, मज़ा आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।